हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब, आज हम आए हैं पार्क में और भाई हमारे साथ आए हैं कुछ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने मेहमान। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया, मैं तो पीछे से हाई कर रहा था। देखो भाई, नहीं दिख रहा होगा। छोटे मोटे ये देखो भाई, छोटे मोटे भैया, ये हमारे बड़े भैया, ये छोटे मोटे भैया। बता जी, बहुत बड़े ये तो भाई हमारे हीरो है। बोला के हीरो नहीं कह सकते, हम काम कर रहे लेकिन दिमाग से कर रहे। दिमाग वाले हीरो। हाँ, दिमाग से कर सकते हैं। तो चलो भाई, हम बाइक टैक्सी पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाई हम बाइक टैक्सी पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो आपको मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। अरे क्या इशारे कर रहे हो यार, यही है भाई रोचक भाई के, यही बचकानी हरकते हैं बस। शुरू करते, तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग काम, मैं काम करता हूँ दोस्तों, मैं वीक में 2 से 3 दिन फुल करता हूँ, बाकी मैक्सिमम 2 से 3 दिन बाकी पार्ट टाइम्स में काम करता हूँ, चाहे वो बाइक टैक्सी हो या फिर फूड डिलीवरी हो। मेरे साथ नीरज है और सनी है। तो नीरज, तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है इस फील्ड में। ये एक्सपीरियंस तो यार मिला जुला ही है, आपको पता ही है। हाँ। मैं भी पार्ट टाइम ज़्यादातर काम करता हूँ सारा का सारा, बाकी फुल डे में यार हालत बहुत बुरी हो जाती है। आप एक बार एक दिन 1,000-2,000 जितने भी कमा सकते हो, दूसरे दिन आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, आप रेगुलर कर ही नहीं पाओगे। यही सीन है इस फील्ड में। बाकी हाँ, जो पार्ट टाइम के लिए फील्ड मेरे हिसाब से सही है। अगर ऑफिस बंदा कोई जॉब करता है तो आते जाते आप राइड ले सकते हो आराम से, आपका एक्सपेंस निकल जाएगा। अच्छा, तो शुरुआत तुमने इस फील्ड में क्या पार्ट टाइम से करा था? हाँ, मैंने पार्ट टाइम से किया था। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि डालते हो वीडियो की, फुल डे में मैंने 3500 कमाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो 3600 कमाए, ये कैसे कर लेते हो? वो तो कभी कभार की बात होती है। देखो मैं खुद है, वो कभी कभार होती है, वो कंटेंट बनाने के लिए करते हैं। क्या भाई, आज वीडियो डालनी है, अर्निंग दिखानी है, तो भाई वो जो आप कर लिया ना, तोड़ मेहनत करनी है। हाँ। वो ही सीन होता है बस। अच्छा। मैं डेली तो देखो मैं पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप 3500 डेली कमा सको तो काम ही नहीं है भाई। आ गए, इनको पकड़ा ना। आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। बातें बातों में दोस्तों एक और आ गए हैं जो कि इस काम को करते हैं और यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं। रेड कलर की गाड़ी है क्या आपकी? नहीं नहीं, काली ब्लैक है। ब्लैक है काली, काली। आप चेस्ट माउंट वगैरह लगाते हो? नहीं नहीं, फोन से। तो हम पहले 3 थे, अब 4 हो गए, तो चलिए सिलसिला आगे करते हैं। अब हम पूछते हैं सनी से, या बत्रा भाई आप ही ले लो सफारी का। तो बत्रा जी ने हमें जस्ट अभी, आप एकदम उधर वो कर दो एकदम, कि हाँ भाई कर रहे हो ठीक। तो बत्रा जी हमारे संग जस्ट अभी जुड़े हैं। आप भाई साहब अभी इस काम को कर रहे हो जस्ट रिसेंटली, कितने दिन हो गए इस काम को करते हुए? बाइक टैक्सी फूड डिलीवरी ओला आपका खुद का है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो दोस्तों देखो, इनको ना भाई 4 साल हो गए काम करते हुए हमारे, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे से कुछ दिन बाद ही जो है इन्होंने चालू कर दी थी ये काम। तो साल में अगर बोलूं तो कब चालू किया था? 2024 है ना, पहले लॉकडाउन लगते पहला एंड हुआ था, लॉकडाउन लगते उसमें स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट कर दिया था, ब्लॉग नहीं बनाते थे ना, 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 ना। तो अच्छा, ये का कीड़ा इन्होंने उठाया हमारे। देखो इन्होंने लॉकडाउन के बाद चालू किया, आपने लॉकडाउन के जस्ट बाद, है ना, लगभग 4 साल हो गया इनको। तो पहले में और अब में क्या फर्क है इस काम में? पहले में अब में फर्क ये है। हाँ। सबसे मेन पॉइंट, कस्टमर वही है, राइड भी वही है, लेकिन जो क्वांटिटी बढ़ी है वो बढ़ी है राइडर, राइडर की बढ़ गई है। वो किसके वजह से बढ़ी है? ऐसा नहीं कह सकते हम, देखो यूट्यूब नहीं कह सकते। पता क्या है, मान लो मैं काम करता था, जैसे मैं खुद ले रहा हूँ, अपने एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं 15 दिन नौकरी करता था ठीक है, कपड़े की शॉप पे 15 साल दिए मैंने, 7 मैं गया था 7,000 में, 15 साल में मैं 15,000 पहुंचा, 15 साल में मैंने 8,000 की इनकम बढ़ाई। अब वही 15,000 की इनकम अगर मैं छोड़ के मैं 30,000 मेरे को डिलीवरी लाइन दे रही है तो 15,000 में क्यों करेगा? रिस्क तो चलो बाद में हो गया, रिस्क और ये मजदूरी फजदूरी तो सब कुछ बाद में, लेकिन पहले दिखेगा इसको एक इनकम सोर्स। 12 कमाने वाला, 10 कमाने वाला अगर सीधा 30 पे पहुंच जाए, मैं खुद एग्जांपल हूँ, 9 कमाने वाला मैं 30 से पहुंच जाऊंगा तो मैं 21,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। 21,000 थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मिडिल क्लास के लिए बहुत काफी है। अगर हम खर्चे के ऊपर बात करें तो जिसके ऊपर मतलब इनकम कम थी और इनको इसको लगे कि इस फील्ड में इनकम अच्छी है, और पहले थी नो डाउट, सबको पता है पहले राइड 100-100 रुपये बचती थी, जोमेटो में 150-150 बचता था। आप रेंज सर्च पे काम कर लो, 50 रुपये रेंज सर्च मिला करता था, तो 20 रुपये अब 12 रुपये भाई, 12 रुपये
12 रुपए इंसर्ज है जोमेटो का, बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। तो उसका एक कारण है, कारण क्या है कि जब भी नई कंपनी कोई आएगी वो अपने राइडर जोड़ने के लिए काम करेगी करेगी, जैसे जो काम अभी ओला कर रही है, और ये सच्चाई है आज के टाइम में। ओला अच्छी दे रही है, आने वाले ओला भी वही रेट ले आएगी जो सभी दे रहे हैं। खैर ओला अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कंपेयर ओला उबर में लगभग सेम है, यहाँ पे भले तुम्हें मिल रहा हो लेकिन कुछ है ना, 8.5-9 हजार 30 रुपए सर्च दे रही है, कुछ जगह पे है ना, कुछ जगह पे वो बंद हो जाएंगे बस, कुछ ही जगह पे है। अब अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो ओला में पूरे दिन में अगर फूड अगर आपके पास मुश्किल से 5 बजेगा। अब हम पूरे दिन में बता रहा हूँ, हम अपने 5 महीने के एक्सपीरियंस बता देते हैं ओला का, ये भी कर रहे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। जोमेटो वाला राइडर अगर 1000 रुपए कमा रहा है तो वो 9-10 घंटे दे रहा है, और हम ओला में कमा रहे हैं सिर्फ 5-6 घंटे में 1000 रुपए इस एरिया में। और अगर मैं कहीं अगर साउथ ले लूँ, साउथ ले लो आपका, साउथ में भी यही काम है, बढ़िया काम है, बढ़िया काम है। गुड़गांव में बहुत बड़े काम है भाई साहब, आपको बैठ नहीं देगा ओला गुड़गांव में, ऐसा काम है। लेकिन गुड़गांव वाला बंदा ही कमा सकता है अगर हम सोचे कि हम, लोकेलिटी पता को मैप की जरूरत नहीं, सबसे मेन चीज है अगर जोन में बंदा काम करता है ना उसको बेनिफिट क्या होता है, लोकलिटी पता होनी बहुत जरूरी है। अब आप नोएडा खिलाड़ी हो, हम वहाँ पे जाएंगे, अरे भाई ये कहाँ है, ये कौन है, 15वीं मंजिल पे नहीं जा रहा हूं, ये कौन है। फिर दूसरा हमारे अगर फूड के ऑर्डर वहाँ बच गए, यार ये मर्चेंट कैसा है, देगा फूड नहीं देगा, लेट देगा, बहुत सारी चीजें होते हैं जिसकी वजह से इनकम पे फर्क पड़ता है, अर्निंग फर्क पड़ता है जल्दी काम करने में और लेट काम करने में। अब देखो मैं आपके सामने हूँ, अभी इसमें 16 राइड मार के आ चुका हूँ, आज की अर्निंग बता दो, आज की एंडिंग बताऊं। अब अच्छा भी कितनी देर काम करे हो 16 राइड में, दिखाओ ऐप दिखाओ, लाइव प्रूफ देख लो भाई, लाइव प्रूफ देखो, लाइव प्रूफ देखेंगे हम तो यार, कैसे लोग ओला को लूट रहे हैं, जैसा लोग क्या यार मतलब खिलाड़ी लूट रहे हैं, खिलाड़ी लूट रहे हैं लोग, सही बता रहा, ऐसे सभी भी राइडर है जिनको पता ही नहीं, जिनको पता नहीं है बहुत है, और कुछ ऐसे हम फूड नहीं करेंगे, हम 4 मंजिल ऊपर नहीं जाएंगे, 80 रुपए में आप एक 100 मीटर के ऑर्डर के 4 मंजिल नहीं जाओगे, बस पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, 10-15 मिनट वेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, करना पड़ेगा आपको 16 राइड, स्क्रीनशॉट लगा देंगे इसका। और इसे फूड कितने आपके? नो, इन्होंने देखो 16 राइड ले चुके हैं और 782 रुपए का इन्होंने काम किया, काम ठीक है, प्लस इंसेंटिव है, प्लस इसमें इंसेंटिव जो है कुछ रिवार्ड्स वो अगले दिन ऐड हो जाएगा, जो भी टोटल हो जाएगा 270+135 400 समथिंग समझ लो, 450 रुपए कितने घंटे? घंटे भाई 2 घंटे सुबह और 1:30 बजे से अब तक ये क्या टाइम हो रहा है, जो भी आधा घंटा हो गया, 4:30 हो गया ना, मतलब 5-6 घंटे कोई 6 घंटे मान लो मोटा, 6 घंटे में 11:30। तो दोस्तों देखो ये हाल है करंट में कि कुछ स्पेसिफिक एरिया वाइज अगर आप रहते हो, जैसे गुड़गांव का बताया एग्जांपल, नोएडा में काम अभी ठप पड़ा हुआ है, उतनी कुछ खास नहीं क्योंकि वहां पे जो भी ऑर्डर करता है ना मैजिक पिन से बहुत ही कम आता है, स्विगी जोमेटो वाले ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये दोनों भाई हैं बहुत अच्छा कमा रहे, नीरज भी पिछले हफ्ते ओला के थ्रू अच्छा काम किया है, तो अब ये तो हो गई काम की बात। अब हम मैं ये जानना चाहता हूँ बत्रा जी तुमसे कि करंट टाइम में और उस समय में क्या फर्क है? फर्क मैंने एक तो पहले सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे बता दिया, उस समय राइडर गिने चुने हुआ करते थे, अच्छा आप हो गए, आप चलो यूट्यूब कंटेंट बनाने करते थे थोड़ा बहुत, कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से आए, लेकिन जिनको लॉकडाउन में जो आए ना, जैसे मान लो 100% आए लॉकडाउन में, सिंपल सभी बनता है एक ए टू जेड, 100% में 30% वापसी गया है, 70% वापसी नहीं गया, इसी में रह गए। उसका कारण है फ्रीडम, जिस काम में इंसान को फ्रीडम मिलेगी, बॉस नहीं बैठा होगा भाई, सैलरी नहीं मांगनी पड़ेगी आपको, मेरे को एग्जाम्पल मैं आप सारे एग्जाम्पल खोद के लेता हूँ, अगर हम मैं इसलिए 15 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी है भाई, और एक मतलब सुबह 10 बजे गए, रात को 10 बजे आए, सुबह 10 बजे का रात को 10 बजे और वीकली में एक छुट्टी, तो हम खुद एग्जांपल हैं, तो मुझे उस जॉब से ये जॉब आज, चलो देखो सबकी सोचना अलग है, सब कहते हैं जॉब अच्छी नहीं है, मैं भी मानता हूँ चलो अच्छी नहीं है, हम भी ये कहते हैं काम करो पैसा जोड़ो और खुद का कुछ खोल लो, ये नहीं आज हमने 1000 कमाए कल शराबे पी रहे सिगरेटे पी रहे, नशे से दूर रहो, बहुत सारे राइडर ऐसे नशा कर रहे हैं, कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है, तो ये चीज है, तो मैंने बहुत नोटिस किया, हम राइडर को देखते रहते हैं कुछ जोड़ नहीं पाते। तो मिनिमम जो आपने मैक्सिमम कितना कमाया है इस फील्ड में, मैक्सिमम मंथ में और मिनिमम क्या रहा है? मैं अगर वैसे अब पिछले 4 साल से कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ना फुल टाइम इसी को कर रहे हो, आपने रिसेंटली ओला की स्कूटी परचेज किया अपने पैसों से, बाइक से काम किया मैंने, ईएमआई से लिया है कि कैश? ईएमआई लिया, कितना क्या है? 25,000 दिया था डाउन पेमेंट और वही मैंने 150 रुपए पेट्रोल का ईएमआई बांध दिया, मतलब 4500 रुपए
तो भाई ये भी ओला S1 एयर चलाते हैं, ठीक प्रो, है प्रो, अच्छा प्रो है इनका, ओ भाई प्रो लिया हुआ है प्रो ने भाई। तब तो इनको एक बार बैटरी चार्ज करो पूरा दिन निकल जाता। नहीं वो बात अलग होगी, वो बात अलग होगी, लेकिन मैं फिर भी रिस्क नहीं लेता। चार्ज लगाते चार्ज लगा के बाद फिर लगा देते हो, जब हमारा दो शिफ्ट में काम हो रहा है हम थक नहीं रहे तो हम क्यों रिस्क लेंगे। सही है सही है, ये भी अच्छी बात है। गधा घोड़ा थोड़ी बनना सारा दिन चले बाहर, सुबह निकल के रात को, रात को मजदूरी थोड़ा करनी है। तो ये चीज है, हम छोड़ दिए काम, मतलब काम भी करना है और स्मार्टली करना है। हाँ बस ये। अच्छा अब एक चीज हम, मैं देखो सबके लिए बोलूंगा, मैं तो बोलते ही रहता हूँ हमेशा कि जो नए बंदे आ रहे हैं हम लोगों को देख के, हम लोगों का सेंस है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कंटेंट बनाते हैं उनके लिए। मेरे को भी 5-6 साल हो गए दोस्तों इस फील्ड से, जो भी बनाऊँ आज इस फील्ड से ही बना जो भी है, क्योंकि मेरे को भी जॉब छोड़ा था, मैं इसी फील्ड के चक्कर में छोड़ा था, लेकिन मैं तब भी पार्ट टाइम करता था, अब भी करता हूँ आज, क्योंकि मेरे सोर्स ऑफ इनकम और भी है कुछ कुछ, तो इसलिए मैं ये पार्ट टाइम में करता हूँ। लेकिन हाँ ये कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ हो अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ या देने की कोशिश करें। नीरज पार्ट टाइम में करता है, तुम भी पार्ट, स्टार्टिंग से ही पार्ट टाइम, आज भी पार्ट टाइम, आज भी पार्ट टाइम है, लेकिन अब कंटेंट बनाने के लिए फुल टाइम में, कभी कभार फुल टाइम कर लिया, बाकी रेगुलर में तो पार्ट टाइम ही है। तो हम सबके तरफ से एक संदेश है भाई, आप क्या बोलोगे जो नया आना चाह रहे हैं, देख के बोलो उधर। देखो मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, जो नया आना चाह रहा है सबसे पहली कोशिश तो आपकी ये रहे कि आप अपने नियर बाय जोन में काम करो, अच्छी इनकम चाहते हो तो। दूसरा, अगर आपको प्राइवेट जॉब में लगता है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपका घर नहीं चल रहा, मतलब आपका खर्चा तो घर का 20,000 रुपये है और आप कमा 10,000 है, तो 10,000 हर महीने आपका लॉस में जा रहा है, तो आपको कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपकी इनकम डबल हो जाए। अब डबल कैसे होगी, ऐसा नहीं है कि आपको फुल टाइम में कोई आपको जॉब दे देगा, एक और दो दो तीन दो जॉब करोगे, आप इसको एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तो भाई चारों के चैनल में वीडियो है, किस कंपनी में कैसा काम है, किस कंपनी में नहीं है, किस कंपनी में फ्री आईडी बनी, किस कंपनी पैसे दे के आईडी बनी, सब कुछ डिटेल है, तो है ना भाई। तो मेन चीज़ ये है कि आपको लॉस में काम नहीं करना है, अपने प्रॉफिटेबल काम करना है, कैसे करना है वो आपके हाथ में है, और सबसे अच्छी बात यह भाई अपने नियर बाय जोन में करो, मैं तो यही करना चाहूँगा। हम चारों में से चारों जो है इन सब का जो जड़ है, जगह है, वो दिल्ली NCR ही है। देखो हम लोग बाहर से नहीं है, मैं तो नए वालों को ये भी नहीं बोलना चाहूंगा, आप बाहर से हो यहीं से हो, नहीं पहले बाहर से, अब यही है, अब यही हो ना। तो मतलब खास करके उनके लिए दोस्तों जो बाहर से, क्योंकि जो मैन कमेंट होता है ना और मैन जो कंसर्न होता है वो ये है कि भाई मैं अपनी गाड़ी ले आऊं और यहाँ पे रूम ले लूं और फिर काम शुरू कर दूं, आप हमारी हेल्प कर दोगे, तो एक एक चीज ना गांठ कान खोल के क्या होता है वो गांठ बांध लो आप लोग कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है, कोई नहीं करेगा और ना करने आने वाला है। बाहर वालों के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जो भी बाहर से आके सोच रहे हैं कि दिल्ली आके या बेंगलोर जाके कमा लूंगा जोड़ लूंगा, नहीं कर सकते बिना फैमिली के, बिना आपको जो खाना कपड़ा ये तीन चीज है ना और आपका जो सपोर्ट, मतलब इनके अगर सोचोगे मैं अकेला जाके कमा लूं, नहीं कमा सकते, तो उस चीज को तो भूल जाओ। तो अगर आपको कमाना है बाहर जाके तो अपनी फैमिली साथ हो या कोई आपका ऐसा हो जो आपको पूरा सपोर्ट करे तो ही आप कमा। जैसे मैं भी बाहर से आया हूँ, ऐसा नहीं मैं बाहर नहीं, मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो मुझे आए 3 साल हुए हैं, 1 साल मैंने बाहर काम किया, तो मैं बाहर से पूरी फैमिली लेके आया हूँ जिससे कि मुझे खाना पीना। किसकी फैमिली ले आए बाहर? अपनी। अरे भाई मैं अपनी बताऊंगा। तो मतलब फैमिली ला के बंदा सेव कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सेव कर सकता, ये है। और लाओ तो भाई अपनी ही फैमिली लाना, किसी और की मत लाना गलती से। अधिकतर क्या बाहर से आने वालों का पता है मेन रीजन क्या रहता है, क्योंकि जो भी स्विगी जोमेटो जितनी भी कंपनियां है ना, हर कंपनी का हर सिटी में रेट अलग है। बाहर वाला बंदा जब देखता है कि मैंने तो 12 घंटे काम किया 500 रुपए कमाई, दिल्ली वाले साले 2,000 रुपए कमा रहे हैं, तो मैं दिल्ली जाके काम करूंगा, अधिकतर ये वो तभी कहते हैं कि हम दिल्ली आएंगे काम। लेकिन भाई हम लोगों ने भी कुछ पोर्टर का स्क्रीनशॉट देखा था है, जिसमें हम लोग भी बोल रहे थे कि चलो अहमदाबाद चलते हैं, गुजरात में कुछ जगह है जहाँ पे खर्चे भी है, जहाँ पे वो बाइक से बंदा 4,500-4,000 के ऑर्डर 12-12, 13-13 ऑर्डर मार लेता है दिन में, बड़े आराम से कोलकाता बैंगलोर ऐसी सिटियों में, हमसे भी दिल्ली से भी ज्यादा अर्निंग है, हम थोड़ी वहाँ चले। हम लोग सोच रहे थे कि चलो वहीं चल रहे हैं, वहीं करेंगे, मजाक वाली बात है, तो खर्चे ही बहुत है वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही कहना है जो नए लोग हैं उनके लिए, अब समझ गए होंगे, इन्होंने क्लियर कट बता दिया आप लोगों को कि जो भी करो अपनी फैमिली को साथ में लेके चलोगे तो खुश रह पाओगे, अदरवाइज अगर आप अकेले आ जाओगे ना तो आपका मन नहीं लगने वाला है, तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे अकेले, बहुत खर्चे, बहुत गंदी लतें पड़ जाएंगी, आदत लग जाए गलत, तो इन चीजों में है ना। आप बोलो भाई साहब। भाई मैं जो भी बंदा बाहर से आना चाहता है ना, वो जब ही आना जब तक उसका दिल्ली में कोई जानकार रिश्तेदार रहता है, क्योंकि मैंने
बहुत बंदे देखे हैं अपनी आंखों के सामने, जो जिस पैर आए ना उसी पैर वापस चले गए, कईयों के तो रेंट तक के पैसे खा लिए कि भाई एडवांस दे दो और फिर अगले में मतलब अगले दिन जब बंदा सामान लेके आ रहा है तो मना ही कर दीजिए कि बंदे का फोन बंद, बहुतों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो भाई पहले आओ यहाँ देखो क्या आप जहाँ आके रहोगे वो जगह रहने लायक है नहीं है, भाई बिना सोचे समझे गलती से भी मत आ जाना, फंस जाओगे, पैसे का नुकसान करा लोगे और टाइम भी बर्बाद करोगे। भाई जो भी नया आ रहा है ना, सबसे पहले यहाँ पे आके जो सनी भाई ने कहा वो तो सब कुछ करना ही करना, कहाँ रहना है क्या करना है, काम की भी यहाँ पे आके ना राइडर्स से पूछना जो ऑलरेडी राइडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। खाली हम सबके चैनल देख के मत आना, जो ऑलरेडी राइडर्स काम कर रहे हैं ना मार्केट में, जो भी दो चार राइडर आपको मिले उनसे पूछना भाई कैसी अर्निंग हो रही है, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, और अगर जिस एरिया में आपने काम करना है उस एरिया की एक दो दिन तक थोड़ा नॉलेज लेना, तब जाके भाई यहाँ पे परमानेंट सेटल होने की सोच रहा है दिल्ली में। और वीएस के भैया हम तो चलो मेरे को 2.5 साल हुए हैं भैया, 4 साल, 1.5 साल, 1.5 साल सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, आप बताओ जब आपने स्टार्ट किया था और आज क्या पोजीशन है, क्या काम का है, यूट्यूब पे क्या है और दोनों चीजें आपने मिक्स कर, आप स्टार्ट ही किया था एक साथ और यूट्यूब का भी बता दो, चलो यूट्यूब उस टाइम आप अकेले किंग थे एक तरह के, बहुत सारे किंग आ गए, अब वो चीज भी बता दो आप। देखो यार मैं तो हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि यूट्यूब का एक जो दिखाना होता है ना, यूट्यूब की जर्नी अलग है और रियल फील्ड में काम करना अलग है, बट थोड़ा बहुत हम लोगों को दिखता है यूट्यूब पे, पर हम 100% वो नहीं दिखा पाते हैं जो एक्चुअल में हो रहा होता है, है ना। हम ये होता है कि हाँ भाई हमने ऑर्डर ले लिया, हमने ये पिक किया, थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन रियल इमोशन हम नहीं ऐड कर पाते, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कर ले, है ना। और जैसे सनी बोल रहा है कि तब के टाइम मैं इतने पुराना हूँ, और देखो मैं तब क्या होता था कि मैं बिना माइक के बिना किसी चीज के व्लॉग डाल देता था, फिर भी कुछ लोग देखते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई देखे नहीं देखे क्या है, क्योंकि उस समय व्यू वही आते थे 1000, 1200, 1100 अगर आ जाए ना बड़ी खुशी होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि जैसे बता रहे भाई हर कोई किंग है, तो हर कोई किंग तो नहीं बन पाएगा, है ना। उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, अगर YouTube पे काम करना है, YouTube की बात करूं तो आपको तसल्ली रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। शुरुआत में आपके वही 1000 सब्सक्राइबर पे आपके 2-3-4-5 हज़ार व्यू आएंगे मैक्सिमम, पर एक दिन ऐसा आता है कि आपको खुद पता लग जाता है सारा कुछ कि अब करना कैसे है काम, बस आप काम करते चले जाओ, धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ यही होता है, कामयाबी तो कहीं ना कहीं मिली जाएगी। नहीं, पहले जब आपने काम स्टार्ट किया था, जब आपके वहाँ राइड काफी होती थी, आप अपनी मर्जी से उठाते थे, अब तो बल्कि ये हो गया कि राइड आ रही है कहीं की भी हो, बजे तो उठाएं, ये तो है, अब कंपनी की मर्जी हो गई, अब राइडर ज्यादा हो गए, दिक्कत क्या है, देखो सारा चीज जो है वो है मतलब पॉपुलेशन पे और बेरोजगारी का, ये बहुत बड़ा चीज है आज के समय, बढ़ गई है, बहुत ज्यादा चीज है, बहुत बढ़ गया। ऐसा था पहले, ऐसा नहीं, मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, जब उस समय पे ना कॉल सेंटर के बाहर लाइन लगता था, बहुत कर्रा लाइन लगा रहता था, बहुत कर्रा, ऑर्डर आ गया भैया, लाइन पोर्टर भी ऑन कर रखा है, देख लो 70 रुपए, अरे 70 रुपए का ऑर्डर बचा भाई, पूरी भाई ये देख लो, ये हालत है, ये आप दिखा भी दो स्क्रीनशॉट लो इसका, और ये वो है अब कोई लेगा नहीं, ये भी ले लिया भाई 70 रुपए का ऑर्डर के लिए, भी लड़ाई हो रही है यहाँ, कोई नहीं छोड़ेगा ऑर्डर, 70 रुपए के ऑर्डर के लिए भी भाई लड़ाई हो रही है, बहुत बुरा हाल है, खुद सोचो 70 के ऑर्डर में 20% पोर्टर ले जाएगा। मैं ऑफिस के अपना काम खत्म करने के बाद सनी ने पूछा था, कंटिन्यू करता हूँ, काम खत्म किया भाई, काम खत्म हो गया, मैंने अपना आईडी लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद बैठता था आधे घंटा, ये देखता था 1 बजे, उसमें थोड़ा गैप रहता था 1 बजे, फिर 1 मिनट में 30 सेकंड में दूसरी बजती थी, क्योंकि ऑफिस टाइम है, सबके सब छूटे और हर कोई बाइक से आता नहीं है, जैसे अभी है वही सिचुएशन है, तो मैं ये देखता था क्या ये 78 नोएडा उस तरफ जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा छोड़ दो, फिर देखता था ये जाएगा नहीं जाएगा, मतलब 10-15 राइडें ये ऐसे करके स्किप हो जाती थी। लेकिन अब क्या है भाई, हमें कंटेंट बनाना है, हम चारों की बात कर रहा हूँ, तो अब क्या सिचुएशन है कि जैसे कुछ भी बच जाए तो उसी को एक्सेप्ट करना है और छोड़ के आना ही आना है, भले आप वहां से खाली आओ, अगर आप नहीं जाओगे तो धीरे धीरे आपके जो आईडी पे ऑर्डर लैंड हो रहे हैं वो धीरे धीरे वो भी आना बंद हो जाएगा, तो ये बहुत बुरा सिचुएशन है, चाहे आप उसको बेरोजगारी मानो या फिर कंपनी के टर्म कंडीशन मानो, मतलब ले दे के ये है कि भाई इस फील्ड में जो बहुत कुछ झेलना और देखना पड़ता है, तो जब तक आप काम नहीं करोगे समझ नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है देखा जाए तो, है ना, क्योंकि देखो भाई ने बताया, भाई 4 साल से काम कर रहे हैं,
अच्छी बात है, अगर आप इंजॉय करके करोगे, हम सारे इंजॉय करके करते हैं, हम व्लॉग करते हैं तो हमारा टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी लोग क्या करते हैं वो जाने जो करते हैं। तो भैया आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो शायद आप ही जवाब दे पाओगे उसका, जो सीनियर है इस लाइन में। अब चाहे ओला कंपनी है, चाहे पोर्टर है, चाहे रैपिड है, सारी परफॉर्मेंस बेस्ड हो रही है। पहले क्या था, दबा के राइड आती थी सबकी आईडी पे, चाहे वो राइड मार रहा है नहीं मार रहा, अब सारी परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई है जी। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको राइड भी अच्छी अच्छी आएगी, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो राइड ही नहीं बचेगी। जैसे पोर्टर है, ओला भी ले लो, ओला भी परफॉर्मेंस बेस्ड ही है पूरा, तो उस पर क्या व्यूज रहेंगे आपके? जैसे मैंने बताया कि देखो पहले कॉल सेंटर के बाहर मैं कंटिन्यू भूल गया था, कॉल सेंटर के बाहर लगती थी लाइन। हाँ, लाइन लगती थी, है ना। आज क्या हो गया, जैसे इन्होंने बताया कि जो बंदा 10,000-15,000 का काम करता था, अब वो हमारी वीडियो देख के या फिर जब कहीं ऑर्डर भी करता है ना, तो डिलीवरी वाला उसके पास आता है तो वो पूछता है भाई कितना कमाते हो। अब वो देख के, अच्छा जी 30,000 रुपए, मन में लड्डू फूटा। लड्डू फूटा, मैं तो 15 कमा रहा हूँ, ये बंदा अपने मन मर्जी का काम करके 30,000 कमा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, ऑर्डर कम हो गए और राइडर की वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है, ये हो रहा है, परफॉर्मेंस का सारा खेल हो गया, हर कंपनियां परफॉर्मेंस पे खेल रही है। क्या आप अपना परफॉर्मेंस 200% एक्सेप्टेंस रखो 85%, है ना, तब जाके आपको कंपनी भी हमारा लो बढ़िया बोलता है, ये जिंदगी झंड कर देगा। अरे गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव मैं नहीं जा रहा, और वैसे भी उठा लेगा कोई, कोई ना कोई उठा, अरे गुड़गांव उस साइड पड़ जाएगा, कोई इस टाइम नहीं जाएगा। सही कह रहे भाई, गुड़गांव में बहुत बुरी हालत है भाई। देखो मेरे पास 4 ऑर्डर बज गए, लेकिन ये कैसा ऑर्डर है जो कोई कोई नहीं उठा रहा भाई, गुड़गांव जाना बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं जाता, बज रहा है, खाली आना पड़ता है, मिल तो जाएगी राइड पर टाइम बहुत लगता है, इसीलिए शायद ये कोई उठा नहीं रहा है, नहीं तो नोएडा की गया, दिल्ली के मिस्ड हो ही गया बहुत सारे। ये पहला 4 ऑर्डर में ये ऐसा बजा जो मेरे को कंपनी ने, आपकी परफॉर्मेंस तो फिर भी अच्छी, हमारी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, हमें तो बड़ा ऑर्डर ही देता है। ये है यहाँ पे मेरा लॉग इन आवर, अगर कल की बात करो तो 275 घंटे थे, मिनट होंगे घंटे भाई, वीक के, अच्छा पूरे महीने का यहाँ पे। हम लोग बस एक, मैं आया हुआ था किसी काम से, तो भाई मैंने कॉल किया नीरज को, नीरज ने किया सनी को, और इन्होंने बत्रा जी को, और हम लोग मिलने वीडियो बनाने बैठे थे, पॉडकास्ट बन गया, पॉडकास्ट बन गया। बस जो भी है दोस्तों, एक हम लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ रखा है, अब आपको इस काम को करना है नहीं करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और आ जाओ, नहीं आना है तो अपना जो काम करे उसको करते रहो। मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखो, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, तो इसलिए दूर से सुन लो अच्छा है, बजाने की कोशिश ना करो तो बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग बहुत समझदार हैं, अच्छा अगर वीडियो लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम, और सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया भाई यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए, गर्मी इतनी तेज है आप लोग सकल से देख सकते हो, जबरदस्ती बैठे हुए हिल नहीं रहे, आप भी तो आए, मैं तो आया ही हूँ।